हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पॉलीगन की यानी बहुभुज की। तो बहुभुज क्या है? बहुभुज वह आकृति होती है जो चार या चार से अधिक सरल रेखाओं से घिरी हो और जिसके चार से अधिक कोण हो उसे बहुभुज कहा जाता है। और थोड़ा अगर हम विस्तार से कहें तो बहुभुज अंग्रेजी शब्द पॉलीगन का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी में पॉलीगन शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है। इसमें पहला शब्द पॉली यानी बहुत और गोनिया यानी कोण। इस तरह पॉलीगन का अर्थ बहुकोण है। इसी तरह बहुभुज संस्कृत के दो शब्दों के मेल से बनाया गया है जिसमें बहु यानी अनेक और भुज यानी भुजाएं। और हिंदी में अंग्रेजी के कोण की जगह भुजा को स्वीकार किया गया है इसलिए इसे बहुभुज कहा जाता है। बहुभुज के प्रकारों को जानने से पहले हमें पिछली वीडियो जिसमें क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से बहुभुज भी दो भागों में बांटा गया है जिसमें पहला है सिंपल पॉलीगन यानी सरल बहुभुज और सेकंड कॉम्प्लेक्स पॉलीगन यानी जटिल बहुभुज। अब सरभुज को जो सिंपल पॉलीगन है नंबर एक है उसको फिर से दो भागों में विभक्त किया गया है जिसमें कॉनकेव पॉलीगन है यानी अवतल बहुभुज और सेकंड इसका पार्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगन यानी उत्तल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज को आपकी बुक में क्लास 8th और क्लास 10th को दिया गया है जिसमें हम रेगुलर और इररेगुलर पॉलीगन्स को पढ़ते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ उत्तल बहुभुज को ही पढ़ेंगे क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं और बाकी बहुभुजों को पढ़ने के लिए या जानने के लिए आप क्वाड्रिलेटरल वाले वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पर जाके आप उसको जान सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले यदि बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों तो उसे नियमित या समबहुभुज या रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ये हमारी पहली डेफिनेशन हो गई। समबहुभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। लेकिन यदि किसी बहुभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं हो और कोई भी कोण बराबर नहीं हो तो वो अनियमित या फिर विषमबाहु बहुभुज या फिर इररेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। तो सम बहुभुजों में सबसे पहला हमारे पास समबाहु पंचभुज आता है। तो तीसरी डेफिनेशन जो हम नोट करेंगे वो है समबाहु पंचभुज किसे कहते हैं? तो जिस पंचभुज की पांचों समान भुजाएं हों यानी कि जिस बहुभुज की पांच समान भुजाएं हो और पांचों कोण उसके समान हो उसे समबाहु पंचभुज कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि इस बहुभुज की पांच भुजाएं हैं और पांचों भुजाएं समान हैं और कोण भी इसके सभी समान हैं इसलिए ये समबाहु पंचभुज कहा जाता है। नंबर फोर समषट्भुज। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जिस बहुभुज की छह भुजाएं समान और सभी छह कोण समान हो यानी उसकी सभी भुजाएं यानी कि छह की छह भुजाएं बराबर हो और कोण भी बराबर हो उसको समषट्भुज कहते हैं। तो नंबर फाइव समसप्तभुज किसे कहते हैं? जिस बहुभुज की सात समान भुजाएं हो और सभी उसके साथ के साथ कोण भी बराबर हो उसको समसप्तभुज कहते हैं यानी उसे रेगुलर हेप्टेगोन कहा जाता है। नंबर सिक्स समअष्टभुज। जिस बहुभुज की आठ बराबर भुजाएं हो और सभी आठ कोण बराबर हो उसको समअष्टभुज कहा जाता है। सिंपली उसे रेगुलर
ऑक्टागन कहा जाएगा, जिसकी सभी भुजाएं 8 की 8 भुजाएं बराबर हो और 8 के 8 कोण भी बराबर हो। नंबर 7 पर हम बात करेंगे डायगोनल की, यानी कि पॉलीगन का जो डायगोनल होता है, बहुभुज का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है। तो एक विकर्ण वह रेखा है जो एक कोण से दूसरे को मध्य में छोड़कर तीसरे कोण पर मिले, उस रेखा को कहते हैं हम विकर्ण डायगोनल। ध्यान रहे, आप चित्र में ध्यान से देखें कि एक कोण से दूसरे को मध्य में छोड़कर तीसरे पे मिलने वाली रेखा को हम डायगोनल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम उसे फाइंड आउट कैसे करेंगे। उदाहरण के लिए एक पंचभुज आपके पास है, एक पंचभुज में कितने डायगोनल मैक्सिमम बन सकते हैं। जैसा आपको पता है कि एक चतुर्भुज में केवल 2 ही जो विकर्ण हैं वो बन सकते हैं, और पंचभुज में कितने विकर्ण बन सकते हैं इसके लिए हमें एक फॉर्मूला जो है वो जानना होगा। तो विकर्णों की संख्या बराबर है, यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। यहां पर n क्या है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, n इज साइड्स ऑफ द पॉलीगन, तो इसे आप याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों के बारे में। तो जो पॉलीगन के अंतः कोण होते हैं उन्हें हम, उनका जो योग है अंतः कोणों का योग, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, उसे आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है हम जानते हैं, परंतु किसी भी बहुभुज, वो पंचभुज हो सकता है, षटभुज हो सकता है, सप्तभुज हो सकता है, अष्टभुज हो सकता है, तो उसके अंतः कोणों का जो योग है उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, और या फिर n-2 इंटू 180 डिग्री। और यहाँ पर भी n क्या है, भुजाओं की संख्या बहुभुज के, यानी n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। और याद रहे कि अंतः कोण जो होते हैं वो बहुभुज के आंतरिक कोण होते हैं, यानी कि अंदर के कोण होते हैं। तो दूसरी चीज, बहुभुज के बाहर भी कोण बना होता है। आप देखिए इसके जो है बहुभुज के बाहर के कोण जो है वो किस प्रकार से होते हैं, आप ध्यान से देखिए। जो एक लाइन है, यानी कि एक रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे तो उसके ऊपर जो ये कोण बन रहा है ये बहुभुज का बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि किस बहुभुज का बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है। तो इस बात को, यानी कि बाह्य कोण का मेजरमेंट रेगुलर पॉलीगन होता है उसका बाह्य कोण हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास 360 डिग्री अपॉन एन। तो अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन निकालनी हो तो हम एन इज इक्वल टू 360 अपॉन बाह्य कोण। इस प्रकार से हम बहुभुज की भुजाओं की संख्या भी निकाल सकते हैं और बहुभुज का बाह्य कोण भी इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।